थिंक वो ऑडियंस को आकर्षित करने के लिए है. यू नो आई थिंक इट्स अ स्ट्रॉन्ग नाइस टाइटल. इसमें काफ़ी वजनदार टाइटल है. यू नो इवन व्हेन आई हर्ड इट फॉर द फर्स्ट टाइम इलीगल, मैंने कहा ये क्या चीज़ है. पीपल प्ले ऑन दैट वर्ड क्वाइट अ लॉट, सो आई थिंक टैबू थिंग्स अट्रैक्ट पीपल, तो इसलिए रखा गया होगा. सभी लोग प्ले करते हैं, इनसे बचाए रखें, मतलब इनके चक्कर में ना पड़े, कोई नई बात नहीं है. सही बात है, इनमें कौन सी के चक्कर में पड़े, पुलिस के बताया आपने और वकील से और डॉक्टर से. अरे अच्छी सेहत किसी को पसंद नहीं है, किस सबको पसंद है. लीगल के लीगल मैटर्स में फंसना किसको, लीगल मैटर्स में फंसना किसको पसंद है. सभी चाहते हैं लेकिन ऐसे हो नहीं पाता ना सर. कहीं ना कहीं तो आपके मतलब पी के हम जो ड्राइव करते हैं तो फंसना लाजमी है. अगर हम सोशल लाइफ में रह रहे हैं तो कम से कम इन चीज़ों को सामना करना ही करना पड़ेगा, ना चाहते हुए भी फंसेंगे ही फंसेंगे. जब मैं लॉयर था, मैं M&A लॉयर था, कमर्शियल लॉयर, मर्जर्स एक्विजिशंस. क्रिमिनल केस मैंने कभी जिंदगी में आर्ग्यू नहीं किया है, बट हाँ मैंने कोर्ट में अपीयरेंस की हैं काफ़ी, और वो कम्फर्ट फैक्टर था, लेकिन अदरवाइज इट्स वेरी डिफरेंट. कहीं ना कहीं आप अपने कैरेक्टर से कनेक्ट हो जाते हो ज़्यादा, बिकॉज बचपन से वही नाम सुनता आ रहा हूँ. सो यू काइंड ऑफ फील द कैरेक्टर अलॉट मोर व्हेन योर नेम इज़ द सेम थिंग एज योर रियल नेम. तो और इत्तेफाकन रखा गया है, इट वॉज ऑलरेडी इन द स्क्रिप्ट बिफोर आई एंटर्ड. वो डायलॉग है, खाली डायलॉग है, मतलब वो एक पॉइंट ऑफ व्यू से लिखा गया है. बाकी जो है, अगर सक्सेसफुल लॉयर बनना है तो क्या करना पड़ेगा आपको, अंदर के जज को मारना पड़ेगा, मतलब जो डिसीजन नहीं दे सके. मतलब अगर आप पहले ही डिसाइड कर लेंगे कि ये गलत है और ये सच है, तो इसका मतलब ये है कि आपका जज बोल रहा है, आप लॉयर नहीं है. कि एक सारे दोस्त होते हैं आपकी ज़िंदगी में जो आपके जज बन जाते हैं कि यार तू ये कर, ये अच्छा है, ये ख़राब है, तो वो ख़राब गलत लगता है. मुझे बोला जाता है जजमत बनो, बी ए लॉयर. लॉयर की तुम ये बताओ कि हाँ भाई ये तुम्हें करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए. हो सकता है आपका क्लाइंट बहुत ख़राब हो, बहुत गलत हो, लेकिन आपको क्लाइंटेड आपकी आपको ये जॉब मिला है कि आप उसे बचाइए, तो आपको बचाना पड़ेगा. आप जजमेंटल नहीं हो सकते उस वक्त. यू नो इट फील्स लाइक अ न्यू शो बिकॉज सो मच टाइम हैज पास्ड सिंस season 2 केम आउट, एंड सो मच टाइम हैज पास्ड सिंस वी फिनिश शूटिंग दिस पर्टिकुलर सीजन. सो येस, इट डज फील न्यू. द एम्फेसिस हियर इज टू ट्राई एंड सॉर्ट ऑफ मेक इट एज रियल एज इट गेट्स विदाउट इट बीइंग प्रीची और ओवरबेयरिंग और बोरिंग एंड बीइंग एंटरटेनिंग एट द सेम टाइम. मेरी जिंदगी में यार मैंने मार दिया था पकड़ के, मेरे किरायेदार खाली नहीं कर रहा था मकान अपना, तो उसने मेरे पेरेंट्स को बहुत परेशान कर रखा था और मैं दिल्ली में था. मतलब मार दिया था या मार दिया, पिटाई लगा दी. तो ऐसा था, मैंने उसने गया वहाँ पर, तो उसने कहा कि यार आप लॉयर कर दो पीयूष भाई, लॉयर कर लो. तो मैं लॉयर कौन लॉयर करे, साला पैसे दो उसको, फिर वहाँ पर मगजमारी करते. फिर मैंने पकड़ के उसको बहुत पिटाई लगाई, अगले दिन छोड़ दिया उसने मकान. केस क्या करेगा, अरे केस वेस कुछ नहीं हुआ, छोटा शहर था, छोटे शहर में ऐसी वारदातें होती रहती हैं, तो मैंने कर दी. हो सकता वो अधिक ताकतवर होता तो वो कर देता, लेकिन वो ताकतवर साबित नहीं हुआ. मैं इस बार ताकतवर साबित हो गया, मैंने पिटाई लगा दी उसकी, मेरा मकान मिल गया मुझे.